पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ है। गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बती सागर। सागर जिले के खिमलासा थाना इलाके में उस समय हंगामा हो गया जब दर्जनों की संख्या में लोगों ने सड़क पर महिला की डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया, साथ ही मर्डर किए जाने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की बात कही। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। दरअसल खिमलासा के खड़ेसरा गांव में बीते महीने 7 नवंबर को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया था, जिसमें एक ही पक्ष के लोग घायल हुए। इसमें इलाज के दौरान जिला अस्पताल में 37 दिन बाद 52 साल की रूप रानी अहिरवार की जान चली गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खिमलासा की मुख्य चौराहे पर डेड बॉडी रखकर जाम लगाया और न्याय की मांग की। परिजनों का आरोप है कि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, इसी से लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे खुरई बीना मालथोन सड़क पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई थी। बताया गया कि प्राण सिंह अहिरवार खड़ेसरा का निवासी है, जो किसानी करता है, उसका खेत पठार में है, जिसको लेकर खिमलासा के राघवेंद्र सिंह राजपूत से विवाद चल रहा है। बीते 7 नवंबर को उसकी पत्नी प्रीति मां रूपरानी भाभी आरती खेत की मेड़ का चारा काट रही थी, तभी राघवेंद्र विजय पटवा समेत अन्य 3 लोगों ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जब किसी तरह बचे तो लाठियों से हमला बोल दिया। इसमें प्रीति और रूपरानी अहिरवार घायल हो गई थी, जिनमें रूपरानी की हालत नाजुक होने से उन्होंने दम तोड़ दिया। तब राघवेंद्र सिंह, विजय, शिवम पटवा, मोनू राजपूत और नीरज राजपूत के खिलाफ कई धाराओं समेत SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं प्रदर्शन के दौरान SDOP प्रशांत सुमन ने परिजनों से चर्चा की, जहां कार्यवाही के अलावा राहत राशि दिए जाने की मांग की। SDOP के आश्वासन के बाद करीब 2 घंटे के बाद जाम खुल सका। योगेंद्र सिंह गौर, सागर टीवी न्यूज। पुराना मोबाइल लाइन नया ले जाएं। आदिनाथ मोबाइल 0% ब्याज पर सभी कंपनियों के मोबाइल 15% डिस्काउंट के साथ मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है गीतांजलि कॉम्प्लेक्स 3 बत्ती सागर। हमारा नंबर है 9993723214।